गया। हाँ छुप गया वो। हाँ जी। तो नेगी ने कहा था देखो पूजा कर रहे हैं और शराब डाल रहे हैं इसके सिर पर। यहाँ से हम आए हैं, यहाँ पे हमने अपनी बाइक पार्क कर दी। दोस्तों ये है पूरा शांघड़ वैली का व्यू। यहाँ पे बच्चे मस्ती कर रहे हैं, कुछ अपने स्पोर्ट्स खेल रहे हैं और वैली देख लो एक बार यार कैसी है। सामने है शुलचुल महाराज का मंदिर जो कि डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोकल लोग किस तरह से अपना टाइम यहाँ पे व्यतीत करते हैं। ये चल रहा है मेरे साथ निगर बॉय। निगर बॉय कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके, थोड़ा बताइए हमारे व्यूअर्स को। स्पीचलेस। तो निगर बॉय हो गए हैं स्पीचलेस। मैं आया हूँ गाइस दूसरी बार, इसको लेके आया हूँ पहली बार। बताओ निगर बॉय आपकी कैसी फीलिंग है यहाँ पे पहुँचने पे? दिस प्लेस इज फील्स लाइक अ मिनी स्विट्जरलैंड। हेलो जी, खजियार। तो निगर बॉय हमारा कह रहा है कि इनको लग रहा है ये मिनी स्विट्जरलैंड खजियार की तरह। तो खजियार गया हुआ है ना पहले? तो भाई तो खजियार गया हुआ है पहले। पाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारी पशु जो है घास चर रहे हैं, मैदान ही इतना बड़ा है, कैटल। तो गाइस मैंने आपको जो जूम किया है, सामने अंकल जी बैठे हैं। मुझे याद है जब मैं लास्ट टाइम आया था तब भी इनसे ही मिला था। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं सेब लगे हुए हैं, सेब। और सामने बिल्कुल है आपके दोस्तों महादेव का मंदिर। निगर बॉय कर रहा है आज मोटा ही एंजॉय, फोटोग्राफी कर रहा है निगर बॉय, अपने वीडियो शूट कर रहा है निगर बॉय। तो निगर बॉय ने दे दिए गाइस आज की ट्रिप को 5 में से 5 नंबर। तो गाइस ये है हमारे शुलचुल महादेव जी का भव्य मंदिर, आप देख सकते हैं। दर्शन कर लीजिए दोस्तों एक बार महादेव के। तो दोस्तों हमें जो महादेव के दर्शन हुए हैं वो बहुत अच्छे से दर्शन हुए हैं। मंदिर में कोई नहीं था, कोरोना करके थोड़ा सा खाली था, दर्शन हुए गाइस हमें बहुत बढ़िया। अब हम थोड़ी देर बात करेंगे यहाँ के लोकल थोड़े से बुजुर्ग लोग हैं उनसे, और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ की जो मंदिर की स्टोरी है उसके बारे में। साथ ही साथ दोस्तों हम उनसे बात करेंगे कि किन तरह की समस्याओं का इन लोगों को सामना करना पड़ता है, फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि यार इतने दूर ये जगह है तो दिक्कत तो लोगों को बहुत होती है। तो चलो यार गाइस बैठते हैं लोकलों के पास और करते हैं। ये जो आप जितने भी पेड़ सामने देख रहे हैं ये सारे हैं देवदार के पेड़। इंग्लिश में इसे कहते हैं सेडार या सीडर, CEDAR। जहाँ पे गाइस ये पेड़ रहता है वहाँ का जो एरिया रहता है वो एरिया ऑटोमेटिकली ठंडा रहता है। तो दोस्तों जब मैं पिछली बार यहाँ पे आया था अकेले पहली बार, तो मैं एक शख्स से मिला था, तब उनकी उम्र थी 84 ईयर्स, और अभी भी मुझे वही इंसान जो है बुजुर्ग मुझे दिखे हैं यहाँ पे। तो चलिए यार उनके साथ बैठते हैं। पिछली बार मैंने इनका फोटो खींचा था तो ये खुश हुए थे, अभी इनकी एज होगी 86। चलो यार बैठते हैं और बात करते हैं और देखते हैं कि कितनी सच्चाई है मेरे शब्दों में। आप मुझे यहाँ पे मिले थे हाँ। तब आपकी उम्र थी 84 साल हाँ। ठीक बोल रहा हूँ जी हाँ। देख लो गाइस अभी होगी आपकी 86 हाँ। देख लो गाइस बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ मैं। एक जी आपने पिछली बार बताई थी मेरे को मंदिर की स्टोरी कि शुलचुल महादेव का मंदिर है हमारा यहाँ पे। एक बार अगर आप फिर से बता दे कैमरा के लिए। सबसे पहले तो जी आपका नाम क्या है? नाम है नरोत्तम राम। तो अंकल जी का नाम है नरोत्तम राम और शर्मा है मैं जी। तो पहले देखता रहता था दिल्ली में
ठीक। दिल्ली में क्या हुआ, वहाँ भ्रष्टाचार हुआ। अच्छा। फिर दिल्ली से उठता देता है कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में क्या हो गया, महाभारत हो गया। तो फिर आए रामपुर विशहर, और रामपुर विशहर में क्या हुआ कि राजपूत लोग पूजा कर रहे हैं और श्राप डाल रहे हैं उसके सिर पर देवता के। हाँ अच्छा अच्छा। वहाँ से उठाए हम निर्मल से आए हुए हैं ब्राह्मण यहाँ के। उस वक्त देवते ने शेर सुना दिया था उनको। अच्छा, उनके माँ जो हमारे माँ बाप थे उनके लिए दिया शेर सोना, मतलब तोल के होता था ना सोना। हाँ अच्छा, देवता ने आपके माता पिता जी को दिया। हाँ तो यहाँ का देवते का नाम क्या है, शाम को करेंगे हम दो महीने लड़ाई, सुबह ठीक होना चाहिए। अच्छा जी। हाँ वो शेरता हूँ कुछ सिखाऊंगे बेले दाइसा दो ती भाईसा। अच्छा जी। देवते का नेम है वो। अच्छा। हाँ तो आजकल है ना सब लोगों की काला महीना जो चला हुआ है, काला महीना चला हुआ है। हाँ जी। तो देवते का नेम है इस तरह के। अच्छा। फिर वहाँ से आया था ये शहनशर। अच्छा। तो शहनशर में है लोग करेंगे, तो करेंगे नहीं सहता। फिर वहाँ से उठ कर आया यहाँ शंगड़ में शंगड़ ग्राउंड में बनाया। हाँ जी। ये पांच भाई पांडवों ने ग्राउंड को बनाया था। तो गाइस पंडित जी के अकॉर्डिंग पांडवों ने इस ग्राउंड का निर्माण किया हुआ है। हाँ निर्माण किया। एक आपने बताया था कि कुछ सांप नीचे पौधे के नीचे गया, वो वाली कहानी बताओ जी। वो अभी बताया था ना मैं कि वहाँ से उठ कर यहाँ पर क्या हुआ, राजा बहादुर सिंह आया वहाँ। राजा बहादुर सिंह। हाँ बहादुर सिंह आया। ये राम राज्य की बात है, जब सतयुग था, भगवान राम का काल चला हुआ था, उस वक्त का समाया था। ये देवता उस वक्त आया हुआ है। अच्छा। शिव जी आया। ठीक है जी। हाँ शिव जी आया था। हाँ जी। फिर तो क्या हुआ, वहाँ पर सांप निकला बड़ा भारी। हाँ जी। इसी ग्राउंड पे निकला सांप। हाँ, जी इसी ग्राउंड पे, इस मंदिर के पास। ये था पुराना मंदिर, अब ये नया मंदिर बनाया हुआ है जी। हाँ जी। हाँ जी। फिर जी। हाँ। फिर क्या हुआ, तो सांप जी फिर राजे ने कहा नेगी के लिए, बाबा जी सांप क्या चाहता है। बाबा जी चाहता जो एरिया यहाँ नजर आता है तो ये देवते के नाम पर होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि राजे का उस वक्त ऐसी थी ना राजे। हाँ जी। हाँ जी। राजों का शासन था। हाँ जी। तो बाबा जी ठीक है, तो ये जब देवते ने दर्शन दे तो ये गाय होना चाहिए, वहाँ था गाय का गोबर। तो वो पीछे पीछे हटते हटते सांप पीछे हटा गाय के गोबर के नीचे छुप गया। हाँ छुप गया वो। हाँ जी। तो नेगी ने कहा राजे को ऐसे कर ले। हाँ जी। तो वहाँ पर कोई कुछ नहीं है। तो क्या हुआ, सांप हो गया गायब, गायब नीचे चला गया, सांप गायब हो गया। हाँ जी। तो बाबा क्या हुआ फिर, तो राजा भी खुश हो गया। बाबा राजा भी खुश हो गया। हाँ खुश हो गया क्योंकि सांप गायब हो गया, सांप ने दर्शन, देवते ने दर्शन दिए, सारा कार्यक्रम ठीक होता है। हाँ जी। तो फिर क्या हुआ, अभी जो था सांप निकला और राजा जो बहादुर सिंह थे, बहादुर सिंह उन्होंने अपनी सारी जो ये जमीन थी ये शिवजी शुलचुल महादेव के नाम कर दी। हाँ जी। तो फिर पांच भाई पांडवों ने कहा बोला हमने यहाँ पर क्या लगाना था। हाँ जी। तो देवते ने कहा नहीं भाई कि पांच भाई पांडव यहाँ से निकल गए ना जी। हाँ जी। तो यहाँ पर ये देवते ने रखा ग्राउंड गाय के लिए, गाय की घास चरने के लिए। हाँ घास चरेगा ये सुबह शाम। तो यहाँ याद देखो कितने डंगरे आज बड़े भारी। हाँ जी। हाँ जी। तो ये जो एक सामने जो हमें पेड़ ये दिख रहे हैं ये हैं देवदार के पेड़। हाँ। देवदार के पेड़ है ना जी, देवदार के पेड़ है। और देवते के हैं सारे, ये सारे पेड़ देवते के हैं। देवते के हैं। हाँ जी। हाँ जी। हाँ पहले भी यहाँ डमार के हुआ था ना। अच्छा अच्छा। सरकारी क्लिपर टूट गया यहाँ पर। अच्छा अच्छा अच्छा। पहले ठीक है जी। तो अंकल जी नरोत्तम अंकल जी हमको बहुत अच्छा लगा कि आपने हमें ये इतनी अच्छी आपने हमें कहानी सुनाई। एक बात जो मैं आपसे और जानना चाहूँगा, आप यहाँ से मतलब थोड़ा शहर से दूर रहते हैं तो कोई मुसीबतों का आपको यहाँ देखना पड़ता है कि क्या क्या आपको मुसीबतें आती हैं जो अपनी जिंदगी में जो आती हैं, तो क्या क्या मुसीबतें आपको आती हैं मतलब।
कुछ जो आपको अपनी जिंदगी में आपने देखा हो, बच्चों के लिए मुसीबतें आती हैं या कुछ भी पशुओं के लिए? यहाँ पर हर चीजों की मुसीबतें होती हैं, हर चीज की मुसीबत होती है यहाँ पे। हाँ जी हाँ जी। तो आजकल ऐसा हुआ कि गाड़ी मोटर चली ना है, हाँ जी, तो लोग आते जाते रहे, फिर आना जाने की सुविधा हो गई। हाँ जी हाँ जी। पहले क्या था, हम यहाँ से आलू का मान उठा करके सैंज पहुंचाते थे। कितना टाइम हो गया सड़क क्या हुआ? ये पूछ रहे सड़क कितने टाइम बनी थी, कितना टाइम हो गया? ये हो गई सड़क हो गई 17 साल। 17 years ago जो है यहाँ पे सड़क की कंस्ट्रक्शन का काम हुआ था, और सड़क बन गई उसके बाद जो मोटर गाड़ियां थी उनका चलना शुरू हुआ, और थोड़ी सी जो गांव के तक जो लोगों का आना जाना था, टूरिस्ट भी आए, लोग भी थोड़ा सा बाहर गांव के निकल पाए, वो सड़क बनने के बाद ही ढंग से हो पाया जी, है ना। पहले यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं था। अंकल जी एक लास्ट सवाल आपसे है कि यहां पे जो सब्जियां वगैरह उगती हैं इस एरिया में, क्या क्या यहां पे उग जाता है? एक तो मैंने अनार देखे, अनार लगे हुए थे आपके, सेब होंगे, अनार लग जाते हैं, सेब लग जाते हैं, सेब लगते हैं, दाड़ियाँ होती है, माश होते हैं, कोर्थ होते हैं, गाइस एक दाल होते हैं, कोर्थ का बनता है खिचड़ा, कोर्थ, और छल्ली होती है, छल्ली गाइस अपनी मक्की आ गई, हर कार्यक्रम लगभग हर तरह की यहाँ पे चीजें लग जाती हैं, चीजें होगी। अच्छा जी एक एक चीज और जी, बर्फ कैसी पड़ती है? बर्फ पड़ जाती है यहाँ पे बहुत भारी बर्फ, कितने घर फुट बर्फ पड़ जाती है जी? यहाँ 3-4 फुट बर्फ पड़ जाती है, और जो ये सामने की पीछे की जो पहाड़ियाँ ये भी सारी ढकी रहती हैं बर्फ से। बड़ी बात ढकी। आपने जी अपने टाइम पे कितनी सबसे ज्यादा बर्फ आपने कितनी देखी भाई कभी? वो देखी जी हमने 3-4 फुट। 3-4 फुट देखी आपने अपने टाइम में, मतलब ठीक है जी। चलो नरोत्तम अंकल जी से अभी हमने बात की, इन्होंने हमें बहुत सारी स्टोरियां बताई, हमें ज्ञान दिया। मैं गाइस शांगड़ आया ही इनसे मिलने के लिए था, क्योंकि अब इनसे मिले हम, अब एक लेके इनसे हम ग्रुप फोटो यादगार के रूप में। अच्छा लगा इनसे मिलके, हमें स्टोरी मिली, आपको भी अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दो वीडियो को, और अंकल जी के लिए एक कमेंट बनता है। धन्यवाद आपका।